मेरे सभी प्यारे दोस्तों का आज की लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा विज्ञान के प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली स्थान, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। जो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी दोस्त, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर जो देखिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, प्रश्न बैंक, बिल्कुल दोस्तों सारे के सारे प्रश्न इसमें से आएंगे। और विद्यार्थी हेतु अध्यापन सामग्री सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, बिल्कुल दोस्तों विषय विज्ञान मतलब इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे पूछे जाएंगे, बिल्कुल दोस्तों। तो जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी से आज जोड़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इन प्रश्नों से बाहर कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है। और बहुत ही जल्द मैं आपको आपका जो टाइम टेबल आने वाला है प्री बोर्ड का, वो भी बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए विज्ञान ये ब्लू प्रिंट है दोस्तों, जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ पहले भी आपको, ये ब्लू प्रिंट है आपकी, इसी के आधार पर ये प्रश्न बैंक तैयार की गई है, बिल्कुल दोस्तों इसके आधार पर ही। देखिए यहाँ पर प्रश्न बैंक वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री और प्री बोर्ड में भी आपके दोस्तों इसमें सारे से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये आप देख सकते हैं आपके पाठों के नाम हैं दोस्तों और इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अध्याय 6 से जैव क्रम 16 से 20, ठीक है, प्रश्न देखिए ब्लूप्रिंट बिल्कुल न्यू आधार पर है दोस्तों। ये ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा रोक कर देख सकते हैं, ठीक है। न्यू ब्लूप्रिंट पर आधार में आधारित आज क्वेश्चन बताऊंगा, तो अच्छे से देखिएगा सभी दोस्त और समझिएगा। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस पाठ से एक वस्तुनिष्ठ रचना 1-4 अंक का प्रश्न आना है। देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल आप सभी दोस्तों को मैं आप बिल्कुल आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाऊँगा सभी विषय में, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान कुछ भी हो दोस्तों, सभी में हम क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल हमारे ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इस पाठ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो मतलब आज के इस टॉपिक से मैं आपको 5 नंबर दिलाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। तो आप सभी दोस्त बने रहें और अधिक से अधिक संख्या में अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिल्कुल दोस्तों। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगला वीडियो समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से टोटल आपके कितने नंबर होंगे, 5 नंबर होंगे। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपका आंसर, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे दोस्तों, और इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा LPG का दहन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर आपका, देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन आप पढ़ें और मैं आपको सही आंसर बताऊँगा। तो जितने दोस्त देख रहे हैं 4 ऑप्शन देख कर आंसर बताएँ, जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करो और इसका सही आंसर बताओ। और बिना देखे दोस्तों 10 में से आपके 10 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा मैं, 10 में से कितने आते हैं आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 6Fe2O3+2Al2O3+2Ap, ये एक क्रिया है दोस्तों, तो एक सूत्र है, तो ये किसका है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये अभिक्रिया आपको बताना है किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों जो ये अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक दोस्त जितने भी दोस्त देख रहे हैं आज का वीडियो एक बार अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो आज का वीडियो है बिल्कुल आपको जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपको नंबर देकर जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये
ये न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर बना रहे हैं और यहाँ से आपके प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न पढ़िए दोस्तों, H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है। जल्दी से सभी कमेंट करेंगे, जितने भी दोस्त देख रहे हो सभी कमेंट करो इसका उत्तर क्या होगा, सभी कमेंट करो जल्दी से, सभी दोस्त कमेंट करेंगे। हाँ, और जितने भी दोस्त नए हैं, डेली हमारी लाइव क्लास होती है 8 बजे दोनों टाइम, तो दोस्तों आप ज़रूर उसको अटेंड कीजिए और सभी दोस्त सभी सब्जेक्ट को ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़िए, उनके प्रश्नोत्तरों को हिंदी में भी आपको हम बताने वाले हैं। देखिए H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें सभी। तो ये कहलाता है दोस्तों अपचयन अभिक्रिया, मतलब एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊषा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊषा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों हम, तो उसमें उसको कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्मा चेपी और इसमें अंतर होता है, तो ऊष्मा शोषी करेंगे आप, क्या करेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आकार में परिवर्तन। किस में परिवर्तन दोस्तों, आकार में परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की है, एक प्रकार की क्या है दोस्तों ये आपको बताना है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा चेपी अभिक्रिया, थर्मिड अभिक्रिया या उस ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऊष्मा चेपी अभिक्रिया, इसमें तीसरा वाला आंसर आपका सही होगा। चलिए दोस्तों अब अगला देखेंगे, बिल्कुल एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इनमें से ही आपका एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो दोस्तों ये अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, और हमने कई बार आपको ये प्रश्न बता भी दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्वाजीरिया, ठीक है, इसके माध्यम से सोने और प्लेटिनम को गलाने में ये काम आता है ये अम्ल। नव देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, उत्पाद, यौगिक, अभिकारक, मिश्रण। तो इनमें से आपका जो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ वो होते हैं अभिकारक। दोस्तों ये प्रश्न भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है और प्री बोर्ड में आने की पूर्ण संभावना है, साथ ही वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना दोस्तों क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि क्यों सूख जाते हैं दोस्तों, लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को हम मावे को हम खाते नहीं हैं तो मेवे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सूखे मेवे सड़ जाते हैं, मतलब जो मावा सूख जाता है वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो किस कारण से, ताप में परिवर्तन, विकृत गंधिता, जंग लगना, कोई नहीं, तो उसमें किस कारण से सड़ जाते हैं दोस्तों, विकृत गंधिता के कारण, ठीक है, वो सड़ जाते हैं। चलिए अब मैं आगे बताने वाला हूँ सभी दोस्तों को दीर्घ उत्तर प्रश्न, चार अंक के बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न भी बताऊँगा उत्तर भी बताऊँगा, आप बने रहें क्योंकि 4 नंबर हमें 5 नंबर पूरे इस वाट से लेना ही लेना है। देखिए वायु में जलाने से पूर्व, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, तो मैं आप सभी दोस्तों को ये प्रश्न बता दूं। देखिए यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, इन प्रश्नों को आपको इस पाठ से पढ़ना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों परीक्षाओं के लिए, प्री बोर्ड परीक्षा और देखिए वोट 2019 में आ भी चुका है ये प्रश्न, ऊष्मा चेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है उदाहरण दीजिए, ये प्रश्न 19 में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगले और प्रश्न बताता हूँ, चौथा देखिए,
एक एक प्रश्न को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं सारी की सारी ब्लूप्रिंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से आपके पाँच नंबर, आज के वीडियो आपका पाँच नंबर का है दोस्तों, पाँच नंबर देकर जाएगा बिल्कुल। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं, देखिए नवा प्रश्न देखिए, यदि आप चाहें कि हम पढ़कर बताएं आपको, तो हम पढ़कर भी बता देंगे अगले वीडियो में। यदि आप बोलें कि सर वो वीडियो का वीडियो मतलब प्रश्नों का वीडियो अलग से बनाइए, तो हम ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। जो भी आपका दोस्तों क्वेश्चन है वो आप लाइव चैट में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। साथ ही आप हमें, जो दोस्त हमसे बाद में जुड़ेंगे वो बाद में बता देंगे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों और देखिए ये प्रश्न, यदि आप बोलेंगे तो हम आपको समझा भी देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उत्तर सहित बता रहा हूँ, ठीक है। उत्तर भी हैं दोस्तों आपके इस वीडियो में, अगर मैं पढ़ूंगा दोस्तों तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज के महत्वपूर्ण थे। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण फिर वीडियो लेकर आने वाले हैं, और आपके नंबर बिल्कुल दोस्तों कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना है इस बार, तो आप बिल्कुल अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगला वीडियो आप पाना चाहते हैं अन्य विषयों का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम सुबह 8 बजे लाइव क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।